दोस्तों इस वक्त ओलंपिक शुरू है और ओलंपिक्स में इंडिया के 117 एथलीट्स हैं 117 हंड्रेड एंड सेवन एथलीट्स मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ सात बंदे भेजे जस्ट सेवन मुझसे जाती पूछ, जाती बात पूछो सात को भी नहीं भेजना चाहिए था वो भी कॉम का खर्चा नहीं करना चाहिए था क्यों वहां से सात लोग ओलंपिक में वो पांच तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से वो तो वीजा लग गया वहां ऊपर चलाएंगे और डोर डैश करेंगे वहां पर जाके

क्या लेडी गागा क्या सिलेंडियो उन्हें पूरा माहौल मतलब बना हुआ था ज़बरदस्त किस्म की एक ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पर झंडा जो है वो जल्दबाजी में हो जाता है उल्टा लटक गया उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी तलब की अब

तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ओलंपिक्स के ऊपर काफ़ी चर्चा है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ओलंपिक्स 2024 फ्रांस के अंदर हो रहा है जिसमें दुनिया के 206 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसके अंदर लगभग दस हज़ार से भी ऊपर खिलाड़ी इस ओलंपिक टू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गेम में खेलेंगे हालाँकि ओलंपिक्स के अंदर मेडल पाना बहुत तो बड़ा कठिन चैलेंज होता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी खिलाड़ी को दुनिया के टॉप एथलीट से या खिलाड़ी से सामना होता है इसलिए ओलंपिक्स के अंदर मेडल पाना बहुत ही टफ काम होता है तो वहीं पर बात करें आज पाकिस्तानी मीडिया की तो इस बात पर डिस्कस कर रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो खेलों का स्तर है वो काफ़ी घिरता जा रहा है और साथ ही साथ इस ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान से टोटल सिर्फ सात ही खिलाड़ी इस ओलंपिक के अंदर खेल रहे हैं तो वहीं पे बात करें भारत की तो भारत की तरफ से तो भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों की टीम इस 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस लेटेस्ट वीडियो को साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके में सहयोग दें थैंक यू दोस्तों इस वक्त तो ओलंपिक शुरू है और ओलंपिक्स में भारत की खातून है लड़की मानो बकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है टेन मीटर एयर पिस्टल में मैं तो हैरान हूं सात बंदे भेजे जस्ट सेवन इंडिया के 117 एथलीट्स हैं 117 हंड्रेड एंड सेवनटीन पांच रिजर्व हैं इंडिया के पैरस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूं वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं ठीक है जी

सात बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो बारह बंदे हैं और क्या हम कोई जीत सकते हैं मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और सात बंदे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है इतनी ज्यादा परेशान है इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है एक तो सारी बात है वो तलीम का रुझान नहीं है वो वाला जब आपका तलीम का रुझान होता है तो आप उन चीज़ों पर जाते हैं देखिए स्पोर्ट्स जो है ना विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मोल तरक्की कर सकता है स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड्स में क्यों नहीं जाते वो क्यों क्रिकेट ही क्रिकेट है क्रिकेट में जैसे ही वो लड़के टॉप पे आते हैं करप्ट हो जाते हैं उनमें अकड़ आ जाती है कि हम जो है ना वो प्लेयर रहते ही नहीं है वो बन जाते हैं टिकटॉक स्टार बन जाते हैं ये चीज़ें जो है दैट्स वॉट यू नो मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे मुझे थोड़ा सा इसको देख के तो बड़ा दुख होता है कि क्यों हमारे लड़के या लड़कियां क्यों ऐसे करते हैं हमने 250 मिलियन लोगों ने अब हम किसको कंप्लेन करें क्या हुकूमत को करें माशरे को करें बच्चों को करें एथलीट्स को करें कमेटीज़ को करें वो जो लोग हमारी एथलीट कमेटीज़ के मेंबर हैं वो रिज़ाइन भी नहीं करते जी हाँ ओलंपिक जो कि पेरिस में हो रहे हैं इस बार और आ, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हिस्सा ले रही हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो तकरीबन सात एथलीट्स हमारे ऐसे हैं जो इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे जी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक दो एथलीट्स हमारे अभी आज के दिन ही में जो है वो बाहर भी हो गए लेकिन कोई बात नहीं इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती है जो लोग हार जाते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए जो जीत जाते हैं उनको भी एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता सिर्फ घर के लोग जाते हैं और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा लेकिन जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट लोग जो है वो जैसे थोड़ा बहुत भी जीत कर आते हैं तो ऐसे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और हर लोग हर कोई उनको लेने के लिए पहुंच जाता है जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया ये और बात है कि जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पे उतरते हैं एक ही फ्लाइट से कभी नहीं आते लेकिन फिर भी अगर वो जीत जाते हैं तो उसका जश्न तो ऐसे मनाया जाता है कि बस ना ही पूछे और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है उनको बहुत पैसा भी दिया जाता है उनके ऊपर बहुत टाइम भी लगाया जाता है उन्हें बहुत डिस्कस भी किया जाता है लेकिन बाकी खेल जो पाकिस्तान में होते हैं उनमें जो स्पोर्ट्स के लोग आते हैं वो बेचारे अपनी ही मेहनत अपना ही पैसा अपनी ही एनर्जी लगाकर आए होते हैं ना तो उन्हें गवर्नमेंट लेवल पे कोई खास सपोर्ट मिली होती है और ना ही बाकी की पब्लिक उन्हें कोई खास पहचान देती है यही वजह है कि वो बेचारे अगर पहुंच भी जाते हैं बार बार बेचारा कह रही हूँ लेकिन खैर अगर वो पहुंच भी जाते हैं किसी तरीके से ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो जाते हैं खेलने के लिए और उसके बाद अगर वो जीत जाए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कई बार जीते भी हैं ऐसी बात नहीं कि हर बार हार के ही आते हैं लेकिन अगर हार जाते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए उस वक्त भी उनको अच्छा ही बताना चाहिए जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान का है अगर आ, सिर्फ तीन इवेंट्स ऐसे हों जिनमें पाकिस्तान शरीक है और खिलाड़ियों की तादाद भी डबल फिगर में ना जाए तो उससे क्या तो कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए आ, कोई हौसला अफजा चीज़ होगी ऑफिशल्स ज़्यादा हैंप मुकाबलों में पाकिस्तान के और खिलाड़ी कम हैं और यही सवालिया निशान है ये उन लोगों को बताना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान का दस्ता सिर्फ चंद खिलाड़ियों पर मुशतमल क्यों है और उन खिलाड़ियों से ज़्यादा उनके ऑफिशल्स साथ क्यों हैं ये अफसोसनाक सूरत इवेंट ओलंपिक पा, मुकाबले पाकिस्तान के लिए तो बुनियादी तौर पर तकलीफ़ का बायस है जब ये इनका आगाज़ हो रहा है और किसी को उसका भी कुछ एहसास नहीं होगा शायद जिन लोगों ने फैसला करना है वगरना ऐसा हो ना कि तीन मरतबा ये मुसलसल तीसरा मौका है ओलंपिक मुकाबले में पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है और है